क्या आप जानते हैं सोलर इक्लिप्स या सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? वैसे तो इससे रिलेटेड बहुत से मिथ्स हैं जिसको हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे आज जाना गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आपको कंटेंट डिलीवर करती है सिर्फ आपके लिए। ये आपका अपना ही चैनल है। सोलर इक्लिप्स, जिसे हम सूरज ग्रहण भी कहते हैं, वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये रोज़ नहीं होता, इसलिए लोग इसके आदि नहीं। बहुत से लोग इसको देख के खौफज़दा हो जाते हैं और सोचते हैं कि दुनिया एंड होने वाली है। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया कब एंड होनी है ये किसी इंसान या फरिश्ते के इल्म में नहीं, ये सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है। चांद और सूरज दोनों खुदा के बनाए हुए करिश्मों में से एक करिश्मा है, फिर चाहे दिन हो या रात, दोनों से पता चलता है कि इसको बनाने वाली ज़ात कितनी अजीम है। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, सूरज ग्रहण में चांद सूरज के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और दिन में आपको रात के मंजर देखने को मिल सकते हैं। सूरज ग्रहण साल में 2 या 3 बार हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब चांद सूरज के करीब आता है तो सूरज इसको अपनी तरफ खींच सकता है या चांद और सूरज आपस में टकरा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है और इसी तरह 400 गुना दूर भी है। 400 गुना दूर होने की वजह से हमें सूरज का साइज सेम लगता है चांद के। अगर आप किसी चीज़ को दूर से देखो तो वो आपको छोटी ही नज़र आएगी। चांद और सूरज का कोलैप्स होना पॉसिबल नहीं, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, क्योंकि अगर साइंस को सामने रख के बात की जाए तो दोनों के दरमियान बहुत फासला है। सूरज के साथ अगर कोई इंसान डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है या उसे देखने की कोशिश करता है तो उसकी आइज़ नॉर्मली भी डैमेज हो सकती हैं। देर तक ऐसे चांद और सूरज को देखने से आपकी आई साइट वीक हो सकती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ये सूरज ग्रहण देख रहे हो तो ग्लासेस यूज़ करें, ताकि सन से आने वाली रेस आपकी आइज़ को डैमेज ना कर सके और आपकी आइज़ प्रोटेक्टेड रहें। बहुत से लोगों के दिल में ये खौफ होता है कि उन्हें फिजिकली कोई नुकसान हो सकता है या उनके साथ इस टाइम कुछ भी हो सकता है। इस सूरज ग्रहण से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, हाँ सिवाय जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक और कमेंट करें। ये आपका अपना चैनल है, आपकी हेल्प से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।